स्पर्धात्मक के इस युग में आगे निकलने वाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्पर्धा के इस दौर में किसी बैंक के प्रति ग्राहकों के मन में अपनेपन का भाव हो यह बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ की आदिवासी दुर्गम क्षेत्र बड़े गांव की बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने इस बात को साबित किया है। बैंक के प्रबंधक जेएस डिकाटे के मार्गदर्शन में बैंक का हर अधिकारी और कर्मचारी जब ग्राहकों की मदद और उनके विश्वास को जीतने की कोशिश में दिखाई देता है, तब ग्रामीण जनता को अलग सुकून प्राप्त होता है। बैंक के प्रशासन अधिकारी मुकेश टेमरे, कृषि अधिकारी योगेश मरसकोले, कर्मचारी अमोल नारी, सूरज राउत आदियों की तल्लीनता देखने लायक है। यही कारण है कि इस शाखा में ग्रामीण अंचल के 20 से 22 गांव के करीबन 22,000 ग्राहक बने हुए हैं। आमतौर पर बैंक को लेकर भी लोगों में नाराजगी रहती है, लेकिन यहाँ सभी के सहयोग के कारण ग्राहकों को अपार समाधान होता है। शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ भी सभी योग्यताओं को पूरे करने पर तत्पर कर्ज मुहैया किया जाता है। क्या गरीब क्या अमीर, सभी की संतुष्टि करने का जहाँ प्रयास होता है, वही प्रबंधक डिकाटे अनुशासन को अत्यधिक महत्व देते आ रहे हैं। 20 से 25 किलोमीटर के इस दुर्गम क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक न रहने से इस शाखा में हर दिन भीड़ बनी हुई रहती है। तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। यह जो हमारा शाखा परिसर है, यहाँ पे जो जुड़ने वाले गांव है, कम से कम 20 से 22 गांव जुड़े हुए हैं और वो दुर्गम और जंगल परिसर एरिया में है। वहाँ आने जाने का साधन कम है, लोग बड़े दूर से आते हैं। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छी से अच्छी सेवा लोगों को मिलना चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए और अपनेपन की भावना रहना चाहिए, ताकि लोगों को उससे समाधान मिलता है, खुशी मिलती है, लोगों का काम इस वजह से जल्दी होता है। हमारा पूरा समस्त स्टाफ ये इसमें जुड़ा रहता है कि अच्छी से अच्छी सर्विस हम लोगों को दे पाए, और इसी वजह से ये शाखा में कोई, मैं 2 साल से कभी देखा नहीं कि कोई कस्टमर ग्राहक हमारे से बहिसबाजी करता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका कारण मेरा पूरे स्टाफ और हमारा जो काम करने के प्रति अपनापन है, वो इसी से हमारे शाखा का काम चल रहा है। NBC न्यूज के लिए खापा से डॉक्टर चंद्रकांत ठोरे की रिपोर्ट।